सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शिवरात्रि महाव्रत है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की जो पूजा करता है भगवान उससे बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शिव वह तत्व है जहाँ संपूर्ण संसार के प्राणी नाना प्रकार के ताप पापों से उद्विग्न होकर के थक करके आराम के लिए विश्राम के लिए शयन में चले जाते हैं, वह शिव तत्व है। शिव वह तत्व है जो संपूर्ण सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी है। ऐसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का स्तंभाकार ज्योतिर्मय अग्नि की तरह एक लिंग के रूप में भगवान प्रकट हुआ था ब्रह्मा और विष्णु का विवाद मिटाने के लिए। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों लीला करते हैं, आपस में लीला करने के लिए पात्र बन जाते हैं, अभिनय करते हैं और सारे विश्व की मनुष्यता और मानवता का ज्ञान देने के लिए, विश्व में शांति और सनातन धर्म के रक्षण के लिए अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो ये भगवान शिव की लीला है और उसी भगवान शिव की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। आज संसार में जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वह श्रेष्ठता के अभिमान को लेकर के ही हो रही हैं, बड़प्पन के अभिमान को लेकर के लड़ाइयाँ संसार में हो रही हैं। इसलिए मनुष्य की दृष्टि जब परमात्मा से हट जाती है, कल्याणकारी देवता शिव से हमारी दृष्टि भिन्न हो जाती है, हम अज्ञान से अपने को दूसरों से पराया समझते हैं, तो भय दुख शोक आदि यह जीव दशा में ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। उस जीवत्व को दूर करके शिवत्व की प्राप्ति के लिए शिवरात्रि का व्रत होता है, शिवरात्रि का पूजन होता है। तो भगवान शिव दोनों के विवादों को मिटाने के लिए वहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा विष्णु को दोनों को ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा देते हैं और समझाते हैं कि सृष्टि का मूल मैं ही हूँ, ये सृष्टि नहीं बनी थी उसके पहले भी मैं था, सृष्टि राकाल में मैं रहता हूँ और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं रहूँगा। भगवान कहते हैं शिव कि मेरा अभाव नहीं है। एक ही शिव की अनेक अनेक और लिंग उत्पन्न होते हैं विश्व में ताकि लोग पूजन कर सकें, दर्शन कर सकें और अभीष्ट फलों को प्राप्त कर सकें। इसलिए अनेक अनेक स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों में अनेक अनेक नामों में अनेक अनेक रूपों में एक ही से हुआ करता है, शिव भिन्न भिन्न नहीं है। एकम सद विप्रा है बहुधा वदंती ही, एक ही सत्वस्तु है जो अनेक रूपों से अनेक नामों से वर्णन की जाती है। उसी को शिव के भक्त शिव तत्व कहते हैं, उसी को विष्णु के तत्व विष्णु तत्व कहते हैं, उसी गणपत के उपासक गणपत तत्व कहते हैं, उसी को शक्ति के उपासक शक्ति कहते हैं, उसी को सूर्य के उपासक सूर्य कहते हैं। एक ही तत्व को एक ही और को अनेक रूपों से अनेकों नामों से समय समय पर वर्णन किया गया है। उन्हीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान के अवतार होते हैं। वेद शास्त्र सनातन धर्म की आधारशिला है और भगवान वेद मूर्ति है। इसलिए वेद विद्या के बगैर तत्व का सही बोध नहीं हो सकता, धर्म का सही बोध नहीं हो सकता है। धर्म के मूल में वेद ही प्रमाण है। उसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान के सारे अवतार हुए हैं और ऐसे भगवान महाशिवरात्रि के अवसर पर चतुर्दशी के दिन ज्योतिर्लिंगाकार के रूप में भगवान और प्रकट हुए और इसलिए भगवान ने कहा कि जो आज हमारा पूजन करेगा, दर्शन करेगा, साल भर के उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए शिव व्रत का, शिव पूजन का विशेष महत्व है। सनातन धर्मियों को, शिव भक्तियों को ये आवश्यक है और ये शिव का व्रत पूजन अनाथ काल से तब से इसी प्रकार से लगातार महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्त लोग पूजन करके दर्शन करके अपने को कृतकृत मानते हैं, धनधान मानते हैं और भगवान कृपा से जीव पना छूट करके शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। उसमें महत्व का वर्णन किया गया है कि एक बहेलिया जंगल में जाता है और पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और इस प्रतीक्षा में कोई आए शिकार मुझे मिल जाए, पर कोई नहीं आता। एक हिरणी आती है और जब हिरणी आती है बस तुरंत ही बहेलिया बाण मारना चाहता है, पर हिरणी कहती कि नहीं, मुझे अपने बच्चों से मिलाने दीजिए, मैं उनको दूध पिलाऊँ और फिर मैं आकर तुम लोगों के पास, फिर मुझे मार देना। और उधर वो हिरणी अपने बच्चों को और मिल करके और बताती है कि मैं वचन दे करके आई हूँ, इसलिए मुझे अपने वचनों का पालन करना है।
उनके बच्चे सब तैयार हो गए उस हिरण के साथ में कि हम चलेंगे, हम भी अपने प्राणों को देंगे। बहेलिए का हृदय प्रघल जाता है सबको सामने देख करके। और उसी दिन महाशिवरात्रि थी, अनजान में उसका शिव का पूजन हो गया। बिलपत्र के ऊपर वो चढ़ा हुआ था, जूठा पानी पिया, वो भी नीचे शिवलिंग के ऊपर गिर गया, नीचे शिवलिंग था। अनजान में ही शिव का पूजन हो गया और अनजान में वो बहेलिया शिवत्व को प्राप्त हो गया, उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। एक ही रात्रि में उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। शिवरात्रि का व्रत ऐसा है, एक दिन में करके शिवरात्रि में शिवलिंग का कोई पूजन कर ले और दर्शन कर ले तो भले अनजान में ही शिव का दर्शन पूजन करने से भी फल प्राप्त हो जाता है, और जान के जो करेगा, श्रद्धा से करेगा, उसे तो शिवरात्रि का फल जरूर मिलेगा। इसलिए सर्वलिंगमयम, जहाँ सारा जगत ही शिवलिंगमय है, सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड शिवमय है, इसलिए शिव भाव अगर अर्पण करके मनुष्य कोई कार्य करता है, शिवार्पण मस्त हो। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, शिव को अर्पण कर करता है, शिव को दृष्टा मान करके, शिव को साक्षी मान करके, शिव को ईश्वर मान करके, शिव को ब्रह्मांड का अधिपत मान करके जब कोई कार्य करता है तो निश्चित बात है कि कर्म बंधन में फंसता नहीं है। भगवान अपनी कृपा से उसे कर्म बंधन से मुक्त कर दिया करते हैं। ये महाशिवरात्रि के अवसर पर आप लोग सब और ये प्रसंग पूछा है तो हमें आप लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप लोगों को श्रद्धा नाम का चैनल तो सारे देश सारे विश्व में सब जगह चलता है, जहाँ जो है सारे विश्व में वहीं से शिव का ये संदेश सारे प्राणियों को चला जाए, और जहाँ भी रहें शांति के साथ रहें, शांति की बात करें, शांति के कार्य करें। कल्याण माने होता है जीवन में नवीनता आए, नव प्रभात आए, जीवन में जागृति आए, हमारे जीवन में नए का बोध हो जाए, अर्थात वास्तविकता का बोध हो जाए, तो हमारा जीवन कल्याणकारी मंगलकारी हो जाए। इसलिए कल्याण शिव के देवता हैं, और सारे विश्व के प्राणियों का कल्याण शिव की आराधना में शक्ति में दर्शन भरा हुआ है। सारे विश्व की देवी देवताओं के दर्शन करने का फल खाली शिवलिंग में ही प्राप्त हो जाता है।